आखिर क्यों इस सदी के सबसे महान वैज्ञानिक और फिजिसिस्ट स्टीफन हॉकिंग ने कहा था कि हमें एलियन से कांटेक्ट नहीं करना चाहिए, इससे हमारी धरती और हम खतरे में पड़ सकते हैं। 10 को सही इंसान के मन में एक सवाल है कि क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं, और उसके जवाब के लिए हमने धरती से कई सारे अलग अलग मैसेजेस भी अंतरिक्ष में भेजे हैं। लेकिन स्टीफन हॉकिंग और दूसरे कई वैज्ञानिकों ने कहा था कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर ये मैसेज कभी किसी एलियंस को मिले जो हमसे ज्यादा स्मार्ट और डेवलप होंगे, तो वो हमें उस तरह देखेंगे जैसे हम इंसान बैक्टीरियास को देखते हैं। क्योंकि अगर कोई एलियंस ऐसे होंगे जो हमारे भेजे गए मैसेजेस को डिकोड करके हमारे बारे में जान सकेंगे, तो ऑफकोर्स वो हमसे ज्यादा स्मार्ट होंगे। अगर इन बातों को साइड में रख भी दें, तो आप ये बताओ कि क्या ये आइडिया सही है कि हम अपना पैसा और टाइम लगाकर ऐसे अंतरिक्ष यान बनाएं जो अंतरिक्ष में हजारों लाइट ईयर दूर जाकर एलियन सिविलाइजेशन की खोज कर सकें। मान लो ये मैसेजेस अगर किसी एलियन ग्रुप को मिल भी जाते हैं, और मान लेते हैं वो अच्छे एलियन होते हैं जो हमसे कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं, तो उनके भेजे गए मैसेज को धरती तक पहुँचने में हजारों साल लग जाएंगे, तब तक हमारी